श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि ये रमज़ान का महीना चल रहा है और मोस्टली जितने भी मुस्लिम्स हैं सब लोगों ने रोज़ा रखा है। बट रोज़ा रखने का असली मकसद क्या होता है? मुझे लगता है कि शायद नबी ने बोला था कि रोज़ा रखना चाहिए, इसलिए लोग रखते हैं। बट सिर्फ यही नहीं हो सकता रीज़न कि नबी ने बोला इसलिए रख रहे हैं, बिकॉज नबी ने जो भी किया है आज तक उनके पीछे हमेशा कुछ ना कुछ पर्पस था उनके हर एक्शन के पीछे। तो रोज़ा रखने के पीछे भी ज़रूर कुछ ना कुछ वजह रही होगी कि उन्होंने सब सारी अपनी उम्मत को बोला कि आप सबको रोज़ा रखना चाहिए। तो ये जो वीडियो है डॉक्टर इसरार अहमद साहब की है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर इसरार अहमद ने क्या मेंशन किया है कि रोज़े रखने की असल वजह क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कमा कुतिबा अला लजीना मिन कबले, जैसे कि ये फर्ज किया गया था उन पर जो तुमसे पहले थे, यानी यहूद और नसारा, उन पर भी ये रोजा जो है ये फर्ज था। अलबत्ता अहकाम मुख्तलिफ हो गए, जैसे जुमे का दिन और जुमे को छोड़कर यहूदियों ने सब्त का दिन इख्तियार किया, ईसाइयों ने जो है वो संडे को इख्तियार कर लिया, लेकिन अहकाम में फर्क है। वहां पूरे सब्त के दिन, हफ्ते के दिन कारोबार दुनियावी मुतलकन हराम, लेकिन हमारे यहां शरीयत के अंदर आसानी पैदा की गई कि सिर्फ जुमे की अजान से लेकर नमाज अदा हो जाने तक वो हराम है, लेकिन बाकी यह है कि उससे पहले भी अगर करो और बाद में जब फैजा कुदरत सलात फंतशरु फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, जब नमाज अदा हो चुके तो जाओ मुंतशिर हो सकते हो जमीन में और अल्लाह ताला के फजल को तलाश कर सकते हो। तो इसी तरीके से अगरचे हुक्म रोजा जो है वो तो साबिका उम्मतों में भी था, लेकिन ये उसके अहकाम जो है उनके अंदर तगैर व तबद्दुल है। كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے حکمت صوم کی پہلی آئے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بچنا، کس چیز سے بچنا؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان سے بچنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا۔ دیکھیے یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے وا، قاف اور یا۔ وقا، وقا یقی کے معنی ہے کسی کو بچانا۔ ہم دعا مانگتے ہیں وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ لیکن اتقا، ارتقا بنتا ہے باب افتعال، واو تے میں شامل ہو گئی تو اتقا، اور اسی سے تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ بچنا، خود بچنا۔ وقا یقی، دوسرے کو بچانا۔ بچنا اللہ کے احکام کو توڑنے سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہونے سے، اللہ کے غضب سے، غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے۔ یہ بچنے کی روش ہے، پوری زندگی میں بھی اس کو جاری رکھنا۔ یہ تقویٰ زندگی میں کیا ہوگا؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جانا، ان کا استعمال کرنا، کھانے پینے سے متعلق ہوں یا وہ شہوت سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو، اس سے بچنا۔ اور یہ بچنا جو ہے آخرت میں نتیجہ خیز ہوگا، جہنم سے بچاؤ ہو جائے گا، آگ کے عذاب سے نجات مل جائے گا۔ اچھا، روزے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمجھ لیجیے۔ دیکھیے، ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے۔ ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے برتر بھی کچھ ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن حیوان تو ہے۔ جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے۔ ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے، وہ ہمارا بھی ہے۔ ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے، کوئی گھونسلہ ہو، کوئی کھو ہو، کوئی بل ہو، کچھ بھی ہو، کچھ تو چاہیے آخر۔ اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے، حیوانات کو بھی آرام چاہیے، ہمیں بھی آرام چاہیے۔ یہ حیوانی تقاضے جو ہے، جن کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹس، ہمارے وجود کے اندر ہیں یہ، اور ان کا تقاضا ہمارے اندر سے ابھرتا ہے۔ اسی کو اینڈ اینڈ لیبیڈو کہا ہے فرائیڈ نے، جدید نفسیات کا بابا آدم جو ہے وہ فرائیڈ، اس نے اسے اینڈ اینڈ لیبیڈو سے تعبیر کیا، اس سے اوپر سیلف کو لایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سپر ایگو ہے۔ تو یہ تین درجے اس نے متعین کیے ہیں،
और मैं उसकी दिक्कत नजर एक्यूटी ऑफ ऑब्जर्वेशन का बहुत कायल हूं। अगरचे नजरियात का जो नतीजा उसने निकाला है वो गलत है, लेकिन एक्विटी ऑफ ऑब्जर्वेशन का कायल हूं कि उसने इंसानी शख्सियत के तीन लेवल्स को आइडेंटिफाई किया। यही तीन लेवल हमारे यहां नफ्स, कल्ब, रूह, ये तीन लेवल। उसने कहा इड एंड लिबिडो, ये लोएस्ट है, फिर ईगो सेल्फ, फिर सुपर ईगो, तीन लेवल वो भी मानता। अगर उनकी ताबीर उसने गलत की है, लेकिन जहां तक इड और लिबिडो की ताबीर है वो सही है, वो हैवानी तकाजे। अच्छा, इन हैवानी तकाजों के बारे में ये बात बिल्कुल वादे रहनी चाहिए कि ये अंधे बहरे हैं, इन्हें सिर्फ अपनी ग्रेटिफिकेशन, अपने तस्कीन से जो है सारी बहस है, इससे कोई गरज नहीं कि हलाल जरिए से हो हराम जरिए से हो। पेट खाने को मांगता है भूख के अंदर, अब आदमी जो है हराम के अंदर भी बीमार बैठता है, यहां तक कि खुद शरीयत इजाजत देती है कि अगर जान पर बन जाए आदमी जो है वो फाके से मर रहा हो तो वो कोई हराम चीज खाकर भी अपनी जान बचा सकता है, लेकिन आम हालात में नहीं। लेकिन हो सकता है हमारा चटखारा जो है वो हराम की तरफ हमें ले जाए, किसी को वाकईतन अल्लाह ना करे कि सूअर के गोश्त का चस्का लग जाए, वो उसके बगैर बचता ही नहीं, खाता है, शराब की आदत हो गई पीता है, ये नहीं। तो हमारा पेट मांगता है और उसे इससे गरज नहीं कि हलाल से खाया है या हराम से खाया है। हमारी शहवत अपनी तस्कीन चाहती, उसे इससे गरज नहीं कि हलाल से या हराम से, जायज से या नाजायज से। इसी तरीके से हमारे तमाम तकाजे जो हैवानी हैं, एक तो ये कि बहुत जोरदार है, और चूंकि वो अंधे बहरे हैं लिहाजा जो कुरान में कहा गया इन्न नफ्सल अमारतुम बिस्सू, ये नफ्स तो बदी का हुक्म देता ही है, ये गोया कि उसके अंदर रुझान जो है इनहेरेंट है कि वो बदी की तरफ इंसान को तरगीब दिलाता है, चाहे वो अपनी जरूरियात से मुताल्लिक हो, चाहे चटखारों से मुताल्लिक हो, चाहे जो भी लज्जत उसे दरकार है उससे मुताल्लिक हो, चाहे वो जिंसी लज्जत है और चाहे वो ताम की, यानी जिसे हम कहते हैं कि इंसान जो है वो अपने पेट और फर्ज का गुलाम बनकर रह जाए, इसलिए कि जो तकादा भी आया है उसको वो पूरा कर रहा है। ये जो कैफियत इंसान की है इसके लिए एक मश्क जो है वो रोजा फराहम करता है। रोजे के आपने 12-13-14 घंटे का भी रोजा होता है, बाद जगह पर 16-17 घंटे का रोजा होता है। इस अरसे में आप अपने नफ्स को हलाल चीजों से भी रोके रखते हैं, इस मुंह घोड़े को, मुंह जोर घोड़े को जो है आप उसकी लगाम कस कर रखते हैं कि हलाल भी नहीं खाने दे रहे, भूख लगी हो या खाना बेहतरीन मौजूद है नहीं खा सकते, अल्लाह का हुक्म नहीं, अल्लाह की इजाजत नहीं, शदीद प्यास है बेहतरीन मशरूबात फ्रिज में रखी हुई है नहीं खा सकते, नहीं पी सकते, जायज नहीं है, हालांकि हलाल है आराम नहीं है, बीवी मौजूद है, या जैसे कि लौंडियों का मामला होता था लौंडी मौजूद है, लेकिन नहीं, आप अपनी शहवत जो है वो उससे पूरी नहीं कर सकते। ये पाबंदियां नफ्स के ऊपर लगाना ये एक मश्क, ये एक रियाजत है। इस रियाजत का हासिल ये होना चाहिए कि इंसान बकिया 11 महीनों में अपने आप को हराम से तो बचाए ना, यहां वो हलाल से रुका हुआ है अल्लाह के हुक्म से, कि हलाल चीज भी नहीं खा रहा, दिन भर नहीं पी रहा, दिन भर नहीं अपनी कोई शहवत पूरी कर रहा, दिन भर हलाल जराए से भी, तो उससे उसके अंदर ये एक, इसको हम कहेंगे सेल्फ कंट्रोल पैदा हो जाए, अपने नफ्स को काबू में कर ले। ये गोया के इसका सबसे पहला, इस रोजे की रियाजत, रोजे की मश्क के हवाले से ये उसकी हिकमत हुई कि इससे के जरिए से इंसान में सेल्फ कंट्रोल पैदा होना, जब्त नफ्स। यहां पर थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं, रहबानियत के अंदर आपको मालूम है कि सेल्फ एनिहिलेशन, अंग्रेजी अल्फाज जो है वो ज्यादा बाज लोगों के लिए वाजे होंगे, नफ्स कुशी, नफ्स को कुचल देना, खत्म कर देना, मार देना, ये रहबानियत में होता है, इस्लाम में नहीं। इस्लाम का निजाम बड़ा मुतवाजन है, इन्नल नफ्स काले का हक्कन व इन्नल ज़ौज काले का हक्कन व इन्नल ज़ौर काले का हक्कन। हुज़ूर ने फरमाया देखो तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है, इसे मुनासिब हद तक आराम देना भी तुम्हारे जिम्मे है, इसे ग़िज़ा बहम पहुंचाना भी तुम्हारे जिम्मे है, फर्क सिर्फ क्या है हलाल से हो हराम से ना हो, इसकी शहवत को पूरा करना भी तुम्हारे जिम्मे है, फर्क सिर्फ क्या है जायज रास्ते से हो हराम से ना हो, इसका नाम ज़ब्त नफ्स, सेल्फ एनिहिलेशन, नफ्स को कुचल देना। ये जो तपस्याएं जो है हिंदू साधु करते रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा मामला जो है
वो जो राहिब होते थे हजरत मसीह अलैहि सलाम के पैरोकारों में, उन्होंने तारीख के अंदर जो मिसालें दी हैं उसका जो है अंदाजा करना मुश्किल हो जाता है कि किस दर्जे वो लोग अपने नफ्स को कुचल देते, जिसका कुरान मजीद में सूरह हदीद में जिक्र भी है। अक्सर लोग तो पाबंदी नहीं कर सकते थे, अपने ऊपर पाबंदियां लगाने के बाद गलत रास्तों पर भी चल पड़ते थे, लेकिन जो लोग उन पाबंदियों को निभाते थे वो किस इंतहा तक जाते थे। कभी आप जो है हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन मोनेस्टिसिज्म पर जो तारीख की किताबें लिखी गई उनको पढ़ें तो अंदाजा हो। मौलाना मौदूदी ने तफ़हीमुल कुरान में उसका कुछ हवाले दिए हैं, वाकई है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान पर कि इस दर्जे में उन्होंने अपने नफ्स को कुचला था। हमारे सूफिया के यहाँ भी बात ऐसी रिवायात सही है या गलत है बयान की जाती है, लेकिन इस्लाम का असल मामला क्या है? तवाज़ुन, एतदाल। तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है, इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक है। तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक है। और तुम्हारा जो भी कोई मुलाकाती आए, कोई दोस्त है, उसका भी ज़ौरिका अलैका हक है, ज़ियारत करने के लिए कोई आया उसका भी हक है, उनके हुकूक अदा करो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सहाबा किराम में इस एतबार से बहुत मुमय्यस थे कि उन पर इबादत जो है इबादत गुजारी का इतना गलबा हो गया था, हर रोज रोजा रखते थे और रात को पूरी रात खड़े रहते थे। हुजूर को इतला दी गई, हुजूर ने तलब किया फौरन, आपने फरमाया या अब्दुल्लाह अलम नुखबिर, क्या हमें यह खबर नहीं दी गई अन्नका तसूमुद्दहर वतकूमुल्लैल, कि तू हमेशा रात को खड़ा रहता है नमाज में और हर रोज रोजा रखता है। अब जाहिर बात है हुजूर के हुजूर में झूठ कैसे बोलते, वैसे भी झूठ बोलने का सवाल नहीं साबित किए, तो अर्ज किया भला या रसूलल्लाह ऐसी तो सही है, फरमाया ला तफल, हरगिज़ ऐसा मत करो, फ़इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़ वइन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ वइन्ना लिज़ौरिका अलैका हक़्क़, तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक़ है, रोजा रखो भी और इफ्तार भी करो। बेहतरीन रोजा जो है वह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का था, एक दिन रोजा रखते थे एक दिन इफ्तार करते थे। लेकिन यह है कि आप हफ्ते में दो दिन रोजे हुजूर के हैं, सोमवार को और जुमेरात को, महीने में तीन रोजे ये हैं, इसमें गोया के सुन्नत पर अमल भी हो जाए, लेकिन यह कि हमेशा रोजा रखना, बल्कि यहां तक कहा गया मा सामा मन सामत दहर, जो हमेशा रोजा रखता है उसने कोई रोजा रखा ही नहीं। क्या मतलब? ये तो उसने अपनी हैबिट्स बदल ली है, हैबिट्स हो गई है ये कि सारा दिन भर नहीं खाना, सुबह खाना शाम को खाना, बस ये तो उसने अपनी हैबिट बदल ली है, रोजा हैबिट बन गया उसका। मा सामा मन सामत दहर, जिसने हमेशा रोजा रखा उसने कोई रोजा रखा ही नहीं, इसलिए कि रोजा तो दर हकीकत उस शख्स पर शाख गुजरता है जिसको आदत है दिन में खाना खाने की, उसको दिन के अंदर तीन खाने खाने की आदत है, तभी तो वो शाख गुजरेगा। अगर वो आदत ही आपने बदल ली है तो जाहिर बात है कि फिर रोजे की जो बरकत है वो तो जाहिर नहीं होगी। तो बहरहाल इस एतबार से गौर कीजिए कि ये पहला हुक्म जो है रोजे का, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तक्वा पैदा हो जाए, अपने नफ्स पर कंट्रोल पैदा। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि स्टार्टिंग में ही इस वीडियो के, कि नबी ने सिर्फ इसलिए नहीं बोला रोजा रखने के लिए कि सब लोग ऐसे ही रख ले कि बस भूखा रहना चाहिए, इसलिए इसका एक्चुअल पर्पस ये था कि जो लोग अपनी नब्ज पे कंट्रोल नहीं कर पाते, मोस्टली कई बार होता भी है कि इंसान अपनी अपने जवान के टेस्ट के चक्कर में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी खा लेता है जो कि हराम होती हैं, ऑल्दो कि बहुत ही क्लियरली कुरान में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि क्या हराम है और क्या हलाल है, बट फिर भी कई बार कई लोग कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो कि हराम मानी जाती है। तो इसका रोज़ा रखने का पर्पस यही था मेन, कि एटलीस्ट उस पूरे इंटायर वन मंथ के लिए इंसान अपने ऊपर कंट्रोल कर सके, उनका अपने खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल हो कि मुझे नहीं खाना, इट मीन्स नहीं खाना ना सिर्फ हराम बल्कि जो चीज़ें हलाल कर दी गई हैं वो भी वो लोग अवॉइड करते हैं थ्रू आउट द डे, मतलब 12 टू 16 आवर्स के लिए वो अवॉइड करते हैं, उसके बाद में रात को ही खाते हैं जो भी खाते हैं। एंड आई एम श्योर कि रात को भी जब रोज़ा खुलने के बाद भी वो लोग ये चीज़ हमेशा इंश्योर करते होंगे कि एटलीस्ट उस पूरे मंथ में जो चीज़ें हराम हैं वो ना खाएं, सिर्फ जो चीज़ें कुरान में लिखी गई हैं कि ये हलाल चीज़ें हैं वही खाते होंगे। और तो ये एक्चुअल वजह है
बिकॉज कई बार होता है कि हम लोगों को पता होता है कि हमें ये चीज़ नहीं खानी, यू नो कुरान में लिखा हुआ है, नबी ने मना किया है, अल्लाह के खुद के ये वर्ड्स हैं कि हम लोगों को ये चीज़ें नहीं खानी, क्योंकि उनके पीछे भी काफ़ी सारी रीजंस है कि वो चीज़ें क्यों नहीं खानी हमें या किस तरीके से खानी है। जैसे अगर आपको बकरा भी खाना है, चिकन भी खाना है, तो उसका भी एक प्रॉपर तरीका है कि कैसे खाना है उसको, मतलब हलाल करके खाना है, झटके वाला मीट नहीं खाना, तो वो सारी चीज़ें हैं तो प्रॉपरली सब लोगों को फॉलो करनी होती हैं। इसीलिए ये पूरा रोज़ा रमज़ान का मंथ होता है जिसमें लोग एटलीस्ट अपने अपने खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल रख सके और एटलीस्ट वन मंथ के लिए वो सारी चीज़ों को अवॉइड करें जो कि उन्हें एक्चुअली थ्रू आउट द लाइफ ही करनी चाहिए। बट अगर हमेशा अपनी लाइफ में वो चीज़ें अवॉइड नहीं कर सकते, एटलीस्ट उस वन मंथ के लिए तो कर सकें। हाँ, एक चीज़ और बहुत ही क्लियरली मेंशन की गई है कि मतलब आपको हैबिट नहीं बना लेनी कि मतलब सारी उम्र ही आप रोज़ा रख रहे हो कि मतलब सुबह से शाम तक आप कुछ नहीं खा रहे हो और फिर इवनिंग में खा रहे हो, तो उसका कोई मकसद ही नहीं रह जाता। बिकॉज उसमें क्या होता है कि वो आपकी हैबिट बन चुकी है और हम सबको पता है कि अगर हम लोगों को कोई कुछ भी काम हमने करना है, अगर हमारी हैबिट बन जाए वो बहुत ईजी होता है हमारे लिए। अगर हमें किसी चीज़ की हैबिट हो जाती है तो वो काम करने में हमें बहुत ही ज़्यादा मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं होती हम लोगों को वो काम करने में, इजीली हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए ये बोला गया है कि आपको हैबिट नहीं बनानी, क्योंकि असली जो रीज़न है रोज़ा रखने का कि ये देखना कि आप वाकई ही सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो अपनी जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो गलत चीज़ें आप करते हो, क्या वाकई आप उस वन मंथ के लिए अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हो और उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। तो एक्चुअल पर्पस यही देखने का है। अगर आप डेली कुछ नहीं खा रहे हो हाफ ऑफ द डे के लिए, फिर रात को खा रहे हो, फिर पूरा दिन कुछ नहीं खा रहे रात को खा रहे हो, तो वो तो आपकी बॉडी वैसे ही अडेप्ट कर लेती है कि अब मुझे मतलब इस पीरियड में कुछ नहीं मिलेगा और मुझे रात को ही खाना है, तो उसका फिर कोई मकसद नहीं है बिकॉज आपकी बॉडी वैसे ही बन चुकी है। तो आपका जो सिस्टम है वैसा ही बन चुका है, उसने वैसे ही अडेप्ट कर लिया है कि मुझे इतना ही खाना मिलेगा और इस टाइम पे मिलेगा, तो उसका कोई पर्पस नहीं है। इसीलिए डोंट मेक दिस हैबिट कि हमेशा ही रोजे रखने हैं। तो जो मंथ डिसाइड किया गया है कि इस मंथ में ही रोज़ा रखना है तो वैसे ही फॉलो करना चाहिए। अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा हम लोगों को आरएनडी नहीं करना चाहिए कि ऐसे कर लेते हैं या वैसे कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हमें ये पता चला है कि रोज़े रखने का एक्चुअल पर्पस क्या होता है। सिर्फ भूखा रहना नहीं, उसके पीछे और भी बहुत सारे रीज़न हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।